उत्तराखंड पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले एक गैंग को दबोच लिया है। इस गैंग के 7 लोग पुलिस के हाथ लगे हैं। ये लोग मालदा से नकली नोट लाकर उत्तराखंड में खपाते थे। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नकली नोटों की सप्लाई का मामला सामने आया है। नैनीताल पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3,07,000 रुपए बरामद किए हैं। नैनीताल SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने नकली नोटों के कारोबार का पर्दाफाश करते हुए कहा कि लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में 9 अक्टूबर को शुभम वर्मा नाम के एक सुनार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से 9,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए थे। आरोपी शुभम वर्मा से पूछताछ की गई तो कई खुलासे हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि नकली नोट के कारोबार में कई लोग शामिल हैं, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग लोगों से पूछताछ कर 6 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 2,98,000 रुपए बरामद किए हैं। नकली नोटों का खेप पश्चिम बंगाल के मालदा से उत्तराखंड में लाकर अलग अलग शहरों में खपाई जाती है। जांच पड़ताल में पता चला है कि नकली नोटों के कारोबार करने वाले मुख्य आरोपी शुभम वर्मा के खाते से भारी मात्रा में पैसे का लेन देन हुआ है। मामले के गिरोह से जुड़े हुए अन्य लोगों की जानकारी पता करने के लिए और बाकी जो इस गिरोह में जुड़े हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए SPCT, COCT, थाना लालकुआ और SOG की टीम गठित की और इन टीमों ने अलग अलग जगह दबिशें दी और अलग अलग लोगों से पूछताछ की। इस सारे प्रकरण में शिवम वर्मा को मिला के हमने अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और इन सब अभियुक्तों के कब्जे से अब तक हमने 3,07,000 रुपये जो हैं वो उनके नकली नोट बरामद किए हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।